अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू सैलग बेस में जाफरी कैसे हैं आप सब लोग में उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ और थमदेल और टाइटल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैंने शुरू कर दी है यहाँ पर गर्मियों की तैयारी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मियाँ बहुत आ गई हैं यानी गर्मियों की आमद आमद हो ही गई है हाँ आँखों चोरी कर रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है और कभी सूरज सर पर आ जाता है तो बहरहाल यहाँ मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने समर की क्या क्या तैयारी की है यानी गेट रेडी फॉर समर और हमें क्या क्या कर लेना चाहिए तो यहाँ पे मैं जितने भी सर्दियों का स्टफ़ था यानी विंटर स्टफ़ था और माशाल्लाह माशाल्लाह से घर के जितने भी मेंबर होते हैं उनके सबके अलग अलग स्टफ़ होते हैं विंटर्स के तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों का स्टफ़ अलग कर रही थी उनके स्वेट शर्ट्स उनके स्वेटर्स उनकी पजामाज उनकी जीन्स यानी कोई ऐसी जीन्स भी होती हैं जो विंटर स्टफ़ की होती हैं तो वो सब अलग करके मैं इन बैग्स में भर रही थी यकीन करें ये बैग बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ये वही बैग्स हैं जो लास्ट लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लिबर्टी मार्केट से ये बैग्स लिए थे नो no डाउट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मैं आपको सीन इसलिए दिखा रही हूं कि देखें ये इतना फुल पैक हो गया लेकिन जिप टूटी नहीं यानी जिप फटी नहीं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और फिर उसके बाद जब बच्चों का हो गया तो फिर मैंने अपने भी जितने भी मेरे शलवार सूट से जितने मेरे स्वेटर्स थे जितने मेरी जैकेट्स थी पैजाम थे इनर्स थे वो भी अच्छी अच्छी तरह इस तरह रोल बना के इसलिए रखा ताकि बैग में ना बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो अगर मैं इस तरह रोल्स बना के नहीं रखती यानी शलवार के अंदर शर्ट और शर्ट के अंदर दुपट्टा करके मैं नहीं रखूँ तो जगह ज़्यादा घेरेगा ऑब्वियसली तो इस वजह से मैं अपने जितने भी जो थ्री पीस सूट्स थे वो ऑब्वियसली दुपट्टे के अंदर मैं इस तरह रोल बना के रख रही थी जो टू पीस थे वो ट्राउज़र के अंदर और जो शर्ट पीस थी वो नॉर्मल शर्ट पीस तो इस तरीके से ये सिर्फ तीन ही कपड़े मेरे नहीं हैं ये मैंने आप लोगों को सभी ये दिखाया कि मैंने किस तरह फोल्ड करके अपना विंटर स्टफ़ रखा है ये माशाला से पूरा बैग मेरा सारे शलवार सूट से सारे स्वेटर से यानी स्वेटर्स शॉल ये सारे के सारे इस बैग्स में आ गए थे हाँ जहाँ तक मेरे जैकेट्स थी या कोट्स थे वो मैंने हैंग करके हैंग कर दिए थे वो हैंग में ही सेफ़ रह सकते हैं क्योंकि उसकी जो फिर क्वालिटी होती है ना जैकेट्स की या कोट्स की तो वो ख़राब हो जाती है कि अगर आप इस तरह तय करके रखेंगे मेरा मानना है बाकी लोगों की अपनी अपनी ओबियसली पसंद होती है कि वो बहुत से मैंने ऐसे ब्लॉग्स देखे हैं जिन्होंने अपनी जैकेट्स और अपने कोट्स भी इसी तरह फोल्ड करके अपने बैग्स के अंदर या सूट के अंदर रखे हैं लेकिन मैं अपने जैकेट्स को और अपने कोट्स को मैं इस तरह नहीं करती हूँ खैर जनाब यहाँ पर तो हो रहे थे कपड़े फोल्ड और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कर दूँ थैंक यू क्योंकि लास्ट ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दिया करें कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में किस किस्म के ब्लॉग्स चाहिए ओबियसली uh, मार्केट्स के ब्लाग्स चाहिए वो मैं भी वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ क्योंकि मैंने यही देखा है कि मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादातर जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो या तो शादियों पर या टिप्स एंड ट्रिक्स पे या फिर मार्किट्स पे तो ऑब्वियसली शादियां तो मैं हर रोज़ आपको दिखा नहीं सकती ऑब्वियसली हाँ जहाँ तक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और जहाँ तक मार्केट्स हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा सकती हूँ तो और प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक मेरे बटन को नहीं दबाया है क्योंकि लास्ट व्लॉग में ज़्यादातर नॉट सब्सक्राइबर हैं जो मेरे व्लॉग्स को पूरा एंड तक देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते आई डोंट नो बाय तो बहरहाल यहाँ पर हो गए थे मेरे भी कपड़े पैक बच्चों के भी कपड़े पैक और मेरे हस्बैंड के भी कपड़े पैक हो गए थे अगर मैं वो भी व्लॉग के अंदर डालती तो व्लॉग काफी लंबा हो जाता और आखिर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छा ये तीन मैंने छोटे बैग्स लिए थे और एक मैंने बड़ा बैग लिया था बिल्कुल नीले कलर का तो उसके अंदर मैंने सोचा कि मैं अपने जितने भी ब्लैंकेट्स हैं इस तरह फोल्ड करके डाल दूं अच्छा ब्लैंकेट्स को मैं क्लीन जो करती हूँ या लॉन्ड्री के लिए देती हूँ ना वो मैं सर्दियाँ जब आती हैं जब ही मैं लॉन्ड्री के लिए देती हूँ और बीच में एक दफा सफाई करती हूँ वो मैं इनशाला आप लोगों को सर्दियों के भी कभी ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से आ, सफाई करती हूँ अपनी ब्लैंकेट्स की यानी लॉन्ड्री के बाद जब हम एक महीना यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ब्लैंकेट को साफ करना ज़रूरी होता है तो वो इंशाल्लाह मैं विंटर जब आएंगी 2024 की तो मैं उसमें जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो बहरहाल यहाँ पर फिर मैंने अपने बैग सारे ऊपर दो छत्ती पर मैंने रख दिए थे और फिर आई थी बारी अपनी बेड को आ, अलग अलग करने की यानी बहुत सी बेडशीट्स होती हैं जो विंटर स्टफ़ होता है और बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि समर स्टफ़ होता है तो यहाँ पे मैं अपनी विंटर स्टफ़ और समर स्टफ़ की बेड को कर रही थी अलग अलग अच्छा बहुत से लोग जो है अपने विंटर और समर के बेडशीट्स को ना साथ साथ रख लेते हैं लेकिन मैं अलग अलग रखती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ डटर भी करती रहूँ अपनी इस ड्रॉज की आ, कि जो मुझे नहीं यूज़ करनी है बेडशीट्स वो मैं अलग कर दूँ वो मैं किसी को दे दूँ या किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँ जो मेरी आ, विंटर स्टफ़ की जो भी बेड थी वो तो मैंने तय करके रख दी क्योंकि उनको देख के शदीद मुझे गर्मी लग रही थी तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपनी जो इतनी भी विंटर स्टफ़ की बेड शीट्स थी वो अलग कर दी अच्छा जहाँ तक ब्लैंकेट्स अच्छा हमारे यहाँ जो है कुल कवर इतना यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ ब्लैंकेट्स ही ज़्यादातर यूज़ होता है तो वो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से वो फ़ोल्ड करके बाग के अंदर दो छती के ऊपर रखवा दी अच्छा अब मैं यहाँ पर जो मैं अपनी विंटर बेड शीट्स को फ़ोल्ड करके रख रही थी तो इसके लिए मैंने बनाया था ऑर्गेनाइज़र वो मैं आपको आगे जाके बनाऊँ बताऊँगी कि ऑब्वियसली वो भी मैंने किसी ब्लॉगर का देख ही ऑर्गेनाइजर बनाया था लेकिन अब मैंने बना तो दिया या तो मेरा बॉक्स छोटा था ऑब्वियसली लेकिन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है वो आ, जैसे अगर हम आ, उस टिप और ट्रिक के ब्लॉग में देखें कि हाँ भाई ये वाला ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा बना है मतलब ये इतना हार्ड नहीं बनेगा ऑब्वियसली फॉर एवर तक का नहीं बनेगा लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊँगी तो बहरहाल यहाँ मैं कर रही थी अपनी सारी बेड को फोल्ड कि इतनी छोटी इतनी छोटी मैं फोल्ड कर दूं कि वो उस ऑर्गेनाइज़र में आ जाए मेरी बेड शीट्स अच्छा जनाब तो ये था मेरा वो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने किस तरह बनाया क्योंकि आप लोगों ने बहुत से व्लॉग्स में देखा होगा जो तो टिप्स एंड ट्रिक्स के व्लॉग्स होते हैं ओके okay, ये वाला ऑर्गेनाइजर किस तरह बनता है सिंपली मैंने एक कार्टन लिया कार्टन के अंदर यानी कार्टन को मैंने एक शॉपर के अंदर डाल दिया और वो ये शॉपर वो हैं जो अल्फात के या मार्ट में से आते हैं शॉपर्स तो ये उसमें डाल दिया ताकि एक कार्टन का ना ऊपर का लुक अच्छा हो जाए तो बाहर आ लेकिन ये कार्टन शायद छोटा था तो इसलिए मेरी ज़्यादातर बेडशीट्स नहीं आई लेकिन जितनी भी आई वो मैंने इस तरीके से एक पूरे शॉपर के अंदर डाल के मेरे पास जो आ, विंटर की बैटरीज थी वो चार ही थी तो जितनी भी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी और ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजर बन गया था और इसको मैंने साइड पे अलमारी के अंदर रख दिया था वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि मैंने एक कॉर्नर पे अलमारी के अंदर रख दिया था अच्छा यहाँ पर आई थी बारी पे समर्स बेड की समर बेडशीट्स को मैं रखती हूँ यहाँ पर ड्रॉज में अपनी ड्रेसिंग की ड्रॉज में क्योंकि मेरी जब ड्रेसिंग बनी थी तो लंबी लंबी ड्रॉजेज बन गई थी तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद था यानी बड़ी बड़ी ड्रॉजेज बन गई थी तो यहाँ मैंने अपनी जितनी भी मेरी समर की बेड थी और यहाँ मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ पर मेरे पास समर की बेड शीट्स कम है क्योंकि कुछ वॉश होने भी गई थी कुछ लॉन्ड्री में भी गई थी और कुछ आ, मुझे ख़रीदनी भी है जब ख़रीदूँगी तो इन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी और मैं ज़्यादातर जो बेड शीट्स लेती हूँ वो गुल अहमद की लेती हूँ तो बहरहाल ये फिर एक दफ़ा मैंने रख दिया था कॉर्नर पर बैग एक अलमारी के अंदर जो फिर किसी कोई टच नहीं करता ये एक ऐसी जगह हम रखें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप अलमारी जितनी दफ़ा यूज़ करें तो ये चीज़ ख़राब नहीं होगी अच्छा जी फिर मैंने की तैयारी अपनी बेडशीट को चेंज करने की अच्छा जी नीचे जो है जो मेरी फिटड बेडशीट थी है तो उसके नीचे मैंने बेकिंग सोडा फैला दिया था और बेकिंग सोडा से यह होता है कि आपके ऑब्वियसली आप, आप बेड पर लेटते हैं पसीने आते हैं तो वो ज़्यादा सक कर लेता है तो इतनी स्मेल नहीं आती बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा डाल के तो फिटेड अपनी बेडशीट करने के बाद उसके बाद मैंने यूज़ की अपनी वो बेडशीट जिसको देख कर मेरी आँखों को बहुत ठंडक मिलती है यानी आप वो बेडशीट यूज़ करें वो उस कलर की बेडशीट यूज़ करें जो ठंडे ठंडे कलर्स होते हैं जो कि आपकी आँखों को ठंडक पहुँचाए बेडशीट आप वही यूज़ करें और उसको सो उस पर सोने का एक अलग ही मजा है यानी आपको गर्मी लगे ही ना तो मैं ये समझती हूँ कि आपको लाइट कलर्स की बेड शीट डूरिंग समर यूज़ करनी चाहिए और फिर आई थी तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो थी एयर कंडीशन की और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ऑब्वियसली आपका बिल भी इसी से ज़्यादा आएगा लेकिन कोशिश करें कि अपना एसी जो है ज़्यादातर रात को यूज़ करें दिन में यूज़ ना करें क्योंकि दिन में मैं ये समझती हूँ कि सुबह से लेके यानी रात दोपहर बारह बजे से लेके रात के आठ बजे तक आपके बिलिंग जो है वो डबल हो जाती है हाँ रात के नौ बजे या दस बजे के बाद आपकी बिलिंग थोड़ी तो सी कम हो जाती है तो आप उसमें अपना एयर कंडीशन का यूज़ करें तो बहरहाल यहाँ पे अभी करवाई थी ऊपर से सफाई अपनी मेट से जो कि वो कर सकती थी लेकिन आगे जाके अंदर की जो सर्विस करवाई वो मैंने अपने हस्बैंड से कराई थी क्योंकि ये वो ना मैं कर सकती थी और ना ही हमारी मेड कर सकती थी जो जितना हो सका मैंने अपनी मेड से करवाया और आगे जाके जो है हमारे हस्बैंड ने जो है आगे अंदर की सर्विस की लिटरली uh, मैं तो ऑब्वियसली वीडियो बना रही थी लेकिन जब लिटरली इन्होंने सर्विस के लिए ए सी को खोला तो वाकई में एक साल की गंदमला यहाँ पर शामिल थी और इसी वजह से कहा जाता है कि ए सी की सर्विस बिफोर यूज़ यू हैव टू डू इट अच्छा यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से की मैं तो समझ रही थी कि शायद ये फ़िल्टर्स को फ़ौर वॉश कर देंगे लेकिन इन्होंने जितनी भी मिट्टी थी सूखी मिट्टी जो थी वो अच्छी तरह झाड़ी और झाड़ने के बाद फिर वॉश किया और फिर वॉश करने के बाद अंदर से भी जो ब्रश को जो है ब्रश से जो है वो अंदर को साफ किया ये नहीं कि गीले कपड़े से साफ किया या आप किसी और चीज़ से करें जो कि नुकसान ना हो अंदर की एसी की पार्ट्स को तो ब्रश नॉर्मल जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे आपने साफ़ किया और फिर फिल्टर्स लगा के और फिल्टर्स को भी गीला नहीं लगाया उसको ड्राई किया यानी लेट लेदर ड्राई और फिर उसके बाद हम फिल्टर्स को लगा के ए सी को ओपन करेंगे क्योंकि अगर हम आ, गीले यानी गीले फ़िल्टर्स लगा देंगे तो सारी की सारी मिट्टी आपकी हो जाएगी उसके बाद मैंने किए पर्दे चेंज पर्दे हमेशा लाइट ही मैं ला, यूज़ करती हूँ इन समर और बहुत ही अच्छा लगता है कूजी कूजी सा कमरा और इस किस्म के कमरे में सोना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अच्छा एक टिप मैं आपको दे दूँ कि एसी और पंखे को साथ खोला करें ताकि मैं ये समझती हूँ कि ए सी बहुत पूरे कमरे में स्प्रेड कर देता है अपनी हवा और फिर आप थोड़ी देर के बाद आफ़्टर टेन टू ट्वेंटी तो, मिनट्स ए सी बंद कर दें तो आपका ठंडा रहता है कमरा और फिर जो बहुत ज़रूरी काम होता है समर्स में यानी अपने हीटर्स को अच्छी तरह साफ़ करके अंदर से बाहर से इसको अच्छी तरह कवर लगा लें यह था मेरे पास गारबेज बैग तो उससे मैंने अपने हीटर को अच्छी तरह कवर कर लिया था Uh, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए ज़्यादा मिट्टी ओबियसली एक साल तक ये बंद रहेगा मिट्टी जाएगी मैं ये नहीं कह रही लेकिन uh, इस तरह थोड़ी सी कम मिट्टी जाएगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योर सेल्फ ऑब्वियसली समर्स में आपको नहीं पता चल रहा कि आपको डीहाइड्रेशन कब हो जाए कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हर जगह अपनी चाहे वो डाइनिंग टेबल हो चाहे वो अपनी साइड टेबल हो बेड की या किचन हो तो हर जगह एक पानी की बॉटल भर के रखें ताकि आप हर वक्त पानी पीते रहें और दूसरा यह कि ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजिटेबल्स खाएं जिसके अंदर लिक्विड बहुत हो आजकल अब मौसम आया हुआ वा है वाटर मेलन्स का वाटर मेलन्स काटें काट के खाएं या बच्चों को काट के खिलाइए और आप जूस भी बना सकते हैं मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने बहुत ब्लॉग्स में देखा था इस तरह वाटरमेलन का जूस बनाने का तो मैंने इस दफ़र ट्राई किया और लिटरली बहुत मज़े का बना था हाँ ज़्यादा मीठा नहीं बना था क्योंकि वाटरमेलन मेलन बजाते ख़ुद बहुत माइनर सा मीठा था बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था अगर आपका इतफ़ाक़ से या बाई लक से बहुत मीठा वाटरमेलन निकल जाए तो वो ऑबियसली ऑटोमेटिकली आपका मीठा ही जूस बनेगा और बच्चों को इस तरह खिलाएँ जब वो स्कूल से आएँ जब वो होमवर्क करते हों तो बच्चे और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और बच्चों को जूस भी बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे पास स्ट्रॉबेरीज नहीं थी आप स्ट्रॉबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं यानी इस मौसम की जितनी भी जूसी फ्रूट्स हैं जिसके अंदर वाटर इनटेक ज़्यादा हो तो वो आप लोग खाएँ भी और पिए भी और साथ साथ सब्जियाँ सब्जियाँ भी आप खाएँ इस ज़माने में मीट को ज़्यादा थोड़ा सा अवॉइड करें गर्मियों में अगर आप हफ्ते में Uh, बहुत ज़्यादा मीट बनाते हैं तो उसको अ वीक कर दें और वेजिटेबल्स पर ज़्यादा आ जाए तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा डू सब्सक्राइब माई चैनल हे दाला कैन लाइक एंड शेयर दुआ में याद रखिएगा इन शाला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ अल्लाफ़